एट का एग्जाम लेकर आए कल लग रहा तुमको लग कैसा रहा? एग्जाम हो गया बस एग्जाम पेपर कैसा था? पेपर पेपर ऐसा था, पढ़ता तो ना पता चलता पेपर कैसा होता है, पढ़े है ना तो पेपर कैसा हो पढ़ते नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का एग्जाम है कैट का। पढ़ाई लिखाई तो किया है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं आज। और अभी हम लोग शायद कैब से जाएंगे, और कैब से गाजियाबाद, और गाजियाबाद से ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। और बाकी ये लोग अभी तो नाश्ता कर रहे हैं से है। हाय करो, इंग्लिश नहीं बुझाता है का? नहीं, तुम बोला ही नहीं सही से। अच्छा, तो बुझाएगा भाई। तो फिर हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करके फिर अभी हम लोग कैब कर रहे हैं, और कैब करके फिर हम लोग जाते हैं स्टेशन पे। हेलो गाइस, रेलवे स्टेशन तो पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि अभी ट्रेन 20 मिनट लेट है। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं, और आदित्य गया है टिकट लेने के लिए, उसको भेज दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, फिर ट्रेन जब आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, अभी आप देख सकते हैं हम लोग अभी ट्रेन में, और यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है, और अगर नॉइस आ रहा होगा तो सॉरी, आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग टुंडला आ गए हैं, और यहाँ से हम लोग ऑटो लेके अपने सेंटर पे जाएंगे, और कैट एग्जाम देना। और ये लोग का देखिए कितना बेफिक्र है भाई, कोई टेंशन है कि नहीं? नो भाई, नो टेंशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। सत्यम, ए सत्यम, टेंशन है कि नहीं कुछ? चलो बढ़िया है, वो तो पता चलेगा जब पेपर मिलेगा तब। दे मिलेगा तो सारा लिखा जाएगा, और जब पापा मांगेंगे रिजल्ट तब पता चलेगा, एडिट किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग अपने सेंटर पे आ गए हैं, और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और अभी यहाँ से हम लोग टुंडला, पहले हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे हैं। पहले हम लोग कैब करके गाज़ियाबाद आ गए, और गाज़ियाबाद आने के बाद फिर ट्रेन पकड़ के सीधे टुंडला, और टुंडला से ऑटो मिल जाएगी आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेंटर की, जो कि देव टेक्निकल कैंपस था। तो हम लोग यहाँ पर आके अपना नाश्ता करेंगे, और कुछ रिविज़न करना होगा तो वो करेंगे, फिर एग्जाम देने के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे नाश्ता करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल, चलो जाके इलाज कराओ अपना। तो गाइस, अभी हम लोग अपना एग्जाम देकर आ चुके हैं, और यहीं पे हम लोग अपना बैग वगैरह रखे थे, जो कि 10 रुपये लगा था। और उसके बाद अभी हम लोग एग्जाम तो सब दे चुके हैं, और फिर हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, और उसके बाद देखते हैं, अभी तो जाएंगे खाना खाने, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो भाई साहब, अभी हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, और एग्जाम देने के बाद अच्छा तो लग रहा है, और देखते हैं कितना आता है और कितना नहीं। अगर जितना भी आएगा आपको तो बताएंगे। और अभी हम लोग एग्जाम देने के बाद भूख भी बहुत ज़्यादा तेज लग गया था। एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर किए हैं। सत्यम और शुभम, आदित्य सब बैठा हुआ है, ऑर्डर किए हुए, देखते हैं कितना देर में आता है, वेट ही कर रहे हैं अभी। और उसके बाद हम खाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे टुंडला स्टेशन पर, क्योंकि शायद हम लोग का 5:30 या 6 बजे ट्रेन आने वाला है। तो फिर खा पी के हम आपसे मिलते हैं स्टेशन पर। भूख लगा? हाँ भाई, भूख लगा है। कितना किलो खाओगे? कितना किलो का होता है भाई, जो खाना जितना खाते खाएंगे। ए सत्यम, कुछ बताओ, कह रहा है कि प्लेट से नहीं किलो से खाएंगे। खा लेगा आज, अब बहुत ज़्यादा अच्छा है, खाना चाहिए, डाइट जरूरी है। देख रहा, जिसे कैमरा ऑन करते हैं ना, पेटों पर अंदर खा लेगा। देख, अंदर थोड़ी गजब बेइज्जती है।
देखना सुकून मिला, देखना दे अरे ना खाओगे ना खाओगे तुम तो आगे क्या करना है? अरे आनंद तो ना नहीं होगा तो फिर दुकान देख लिया जाएगा, बस वेट करो थोड़ा, डिस्कशन चल रहा है भाई, डिस्कशन चल रहा है, खाने खाने में भाई कंफ्यूजन हो रहा है क्या लिया जाए नहीं लिया जाए, मेरा क्यों करेगा तू खाता, तू मेरा तुम्हारा ना बोलेगा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है क्या? क्या दिखा रहे हो भाई? गन लगता है, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। बैगन बैगन कितना बदतमीज लड़का है सब। कैसा लगा मेरा मजाक? आएगा ना फूल आदि तो कुछ बोल ही नहीं रहा, सलाद खा के रहेगा। देखो बोला भी एक लाइन, एक लाइनर बोलता है भाई, इतना प्यार से दे रहा था खिला भाई। आप प्यार से खिला है ना हमको? नहीं हमको अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। किसको? आदित्य को खिला। ओ तीखा खाते हैं ना? खिला बोलो भाई, बोलो मुझे नहीं खाते हैं भाई। हां बोला नहीं बोलते हैं तुम्हारे तरह ब्लॉग लेके बैठ गया है तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खाया ना? अच्छा जाएंगे रेलवे स्टेशन चुतिया था, बहुत गंदा था। कौन चुतिया था? काली उली मन को क्या बोला तूने? भैया आज कह रहे हैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल सत्यम भी आगे बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं ऑनलाइन करेंगे और बुझा आइए नहीं रहा है दिमाग जो लगाया वो नहीं रहा है कुछ, दिमाग पूरा लगा रहा है भाई साहब। अभी हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे देखिए पूरा भूता प्लेटफॉर्म लग रहा है, कोई है ही नहीं प्लेटफॉर्म पे। पीछे बैकग्राउंड में इतना हल्ला हो रहा है, बैकग्राउंड में नॉइज भी बहुत आ रहा है, आ रहा होगा माइक इतना तेज है। बाकी हम लोग बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई, कैट का एग्जाम देकर आए हैं। क्या लग रहा है तुमको? लग कैसा रहा है? एग्जाम हो गया बस, एग्जाम पेपर कैसा था? पेपर पेपर ऐसा था, पढ़ता तो ना पता चलता पेपर कैसा होता है, पढ़े है तो पेपर कैसा हो कोई फर्क नहीं है। शुभम पढ़ा? शुभम पेपर कैसा था? हमारा टॉपर ये है शुभम भाई, पेपर अच्छा है भाई। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है। पेपर कैसा था भाई? अच्छा था भाई, अच्छा था। हाँ आदित्य भाई नहीं पता भाई, कुछ नहीं पढ़े थे वो, पता क्या रहता है? पता ये रहता है कि तुम कैसे करते हैं, तुम चुतिया हो गया है ब्लॉग बनाने के चक्कर में, जाके पढ़ देते हैं सब लोग। इसको बस पता होता है दिल्ली जाने का रास्ता, अब जाके ले नहीं रुकेगा ये, इसीलिए हम कंटिन्यू किए थे। तभी हम लोग का ट्रेन आएगा, ट्रेन से हम सीधे निकल के जाएंगे गाजियाबाद, वहाँ से कैब करके सीधे फ्लैट पे, बीच में मत बोलो जब भी ब्लॉगिंग करते हैं।
नहीं देगा वो, कौन नहीं देगा? तब रोते रहना जाके, कहना सर सर मांग दीजिए सर। अरे कहना क्या चाहते हो वाला? अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि बात क्या हो रहा है और बोल क्या रहा है? मोए 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 हेलो गाइस, तो हम लोग का ट्रेन आ गया था थोड़ी देर में, और फिर वहाँ से बहुत ही हेक्टिक हो गया था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और फिर हम लोग तुरंत गाजियाबाद स्टेशन आ गए थे 11 बजे तक, और अब गाजियाबाद स्टेशन से हम लोग कैब करके फिर हम लोग अपने फ्लैट पे आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सो अब एंड करते हैं वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।